नमस्ते बिटिया, आई जेवीएन निशु शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज पावर पॉइंट एंड हाउ टू एक्सेस अ पावर पॉइंट। देखिए, पावर पॉइंट क्या होता है, जिस अपने आप अपनी किसी बात को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने। सो वो आप किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर पॉइंट पर प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बाय यूजिंग पिक्चर, बाय यूजिंग स्लाइड, बाय यूजिंग, मतलब हमको एक पूरी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, बहुत कुछ मटेरियल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो मटेरियल आप लोग क्या करेंगे, अब स्लाइड के थ्रू, छोटा छोटा पैराग्राफ के थ्रू आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग इमेज डाल के, बाय यूजिंग ग्राफ डाल के, बाय यूजिंग पाई चार्ट, मतलब ये सारी चीज़ें आप किस ये सब चीज़ें करके आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी को समझा सकते हैं, तो वो हो गया आपका पावर पॉइंट। अब बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज करता है और प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को। ये भी कह सकते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस ऑफ स्लाइड। स्लाइड में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, मूवीज एंड अदर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फ्रीली अरेंज्ड। पावर पॉइंट के थ्रू, मतलब जिसकी हमने बोले कि आप GIF बना रहे हैं, तो GIF बनाने के लिए आप उसमें देखा साउंड भी हो रहा है आपका, उसमें आपका मूवी हो रही है, उसमें आपकी मूवी भी बन रही है, तो वो सारी चीज़ें आप मल्टीपल पावर पॉइंट्स के अंदर भी डाल सकते हो। प्रेजेंटेशन को हम लोग प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, लाइव होने के लिए कंप्यूटर में, नेविगेट कराने के लिए, नेविगेट मतलब आप उसको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उसको कमांड देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग पावर पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। आप पावर पॉइंट यूज़ करने के लिए हम स्पीकर नोट्स भी डाल सकते हैं, आउटलाइन भी डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं। अभी पावर पॉइंट, जैसे कि अब पावर पॉइंट कहाँ से डाउनलोड किया जाएगा, जब आप एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट से एमएस ऑफिस को डाउनलोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका वर्ड और पावर पॉइंट दोनों ही आपका डाउनलोड हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही ये पावर पॉइंट भी उसी के साथ एसोसिएट है, वर्ड भी उसी के साथ एसोसिएट है। तो आप एक्सेल डाउनलोड करते हैं तब भी आपकी ये सारी चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप डाउनलोड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि पावर पॉइंट में एडिटिंग विंडो के लिए हम लोग नॉर्मल व्यू के लिए, हम नॉर्मल व्यू क्या होता है, नॉर्मल व्यू हमारे पावर पॉइंट में एक फीचर होता है जो कि हम लोग टैब के लिए, पेन्स के लिए, टूल्स के लिए यूज़ करते हैं। वी विल यूज नॉर्मल व्यू एज वी क्रिएट एंड डिजाइन आर प्रेजेंटेशन। मुझे मल्टीपल टैब्स यूज़ करने हैं, मुझे मल्टीपल पेन्स यूज़ करने हैं, या पेन्स मतलब पैनल, मल्टीपल टूल्स यूज़ करने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे पावर पॉइंट को यूज़ करना होगा। और रिबन क्या होता है, रिबन रिप्लेस द मेनी वर्ड सीन इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द पावर पॉइंट। रिबन ग्रुप आइटम दैट आर मोस्टली लाइक टू बी यूज टूगेदर, दे आर सेवरल फ्रिक्वेंटली यूज सच एज फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन एंड व्यू। जैसा कि हमने आप प्रीवियस वीडियो में बात किया था पावर पॉइंट में, एक्सेल में और हमारे वर्ड में, कि रिबन होता है। रिबन क्या है, जिसे हमारे ऑप्शंस हो गए फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, व्यू, ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, रिबन्स हैं। क्लियर है? सो क्लिकिंग ऑन ईच टैब एक्टिवेट अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव कमांड मेन्यू एंड बटन, दे आर ऑल्सो कंसेप्चुअल टैब्स दैट आर ओनली शोन अप व्हेन यू नीडेड। जैसे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टूल्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको कब यूज़ होंगी, जब आप उनको यूज़ में लोगे। जैसे कि अब आपकी पावर पॉइंट का जो फ्रंट पेज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका होता है थंबनेल पेन, यानी कि वन। अब जैसे ही आप इसमें यहाँ पर ये दिख रहा है आपको न्यू स्लाइड, जैसे आप न्यू स्लाइड करेंगे तो आपकी एक और शीट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से वापस से न्यू स्लाइड करेंगे तो एक और आपका न्यू शीट ऐड होते जाएंगे, मतलब इसमें आपका स्लाइड ऐड हो जाएंगे। जितने भी स्लाइड ऐड होंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा कि अभी आप स्लाइड वन पर हो लेकिन टोटल स्लाइड आपकी 5 है, तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ स्लाइड भी आपकी आ जाएंगी। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो गई, रिबन्स हो गए। ये सब चीज़ें जैसे कि हमने बोला था कॉपी का यूज़ हो गया, किसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है, पेस्ट मतलब उस चीज़ को यहाँ पर जो कहीं से उठाया हुआ मटेरियल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर लेआउट मतलब आप किस तरीके से डिज़ाइन देना चाहते हैं। अब ये एक लेआउट लिया है जिसमें फर्स्ट हमने ये टू स्लाइड दिया कि फर्स्ट हम टॉपिक लिखेंगे, नीचे हम क्लिक टू ऐड सबटाइटल में उसके बारे में लिखेंगे, तो आप इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसको हम स्लाइड पेन बोलते हैं, ये हमारा नोट पेन होता है, ये हमारा स्टेटस बार होता है कि कितना आपका वीडियोज़ हैं, किस स्टेटस पे हो, ये हमने आपको पहले ही बताया कि इसे मिनिमाइज और माइनस प्लस वाले से आप स्क्रीन को छोटा पतला जैसा भी आप करना चाहते हो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ तक की बात समझ में
मई। अब हम बात करते हैं कि कैसे ओपन किया जाता है। तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करते ही आपके पास ये तीन ऑप्शन आएंगे, न्यू, ओपन, रिसेंट। न्यू से आप न्यू प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ओपन पे आने के बाद आपके पास जो भी प्रीवियस एग्जिस्टिंग फाइल होगी उसको आप ओपन करके उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रिसेंट मतलब आज आपने या अभी तक आपने जो रिसेंटली जो जो फाइल आपने ओपन कर रखी है वो सब चीज़ें आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन में कैसे कैसे, जैसे आप क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पर आएगा ब्लैक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, टैम्पलेट, थीम और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन में किया तो आपकी वाइट स्क्रीन जो अभी हम लोग जिस पे वर्क कर रहे थे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, और टैम्पलेट एंड थीम्स पे जाएंगे तो जैसा आप बाहर का डिज़ाइन चाहते हैं, लाइक आप इस तरीके से डिज़ाइन चाहते हैं, ये डिज़ाइन चाहते हैं, जैसा भी आप डिज़ाइन चाहते हैं वो डिज़ाइन आ जाएगा, और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग जैसा आपका प्रीवियस था वैसे ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब इनमें से आप कोई भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं या कोई भी आप जो भी इसमें से लेना चाहें आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट स्लाइड ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप होम पे जाएंगे, आपकी न्यू स्लाइड आ जाएगी, न्यू स्लाइड पे क्लिक करते रहेंगे तो जितनी बार आप न्यू स्लाइड क्लिक करेंगे आपका उतनी ही स्लाइड आपकी ऐड होती जाएंगी, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर जो आपका होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप ब्लैंक चाहते हैं तो ब्लैंक हो सकता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके टू कंटेंट्स हो और ऊपर एक मेन हेडिंग हो, या टाइटल स्लाइड हो, ऊपर टाइटल हो, नीचे आप कंटेंट लिख सकते हो, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप सेक्शन हेडर भी बना सकते हो, या केवल टाइटल ओनली रख सकते हो, या कंपेरिजन की आपकी मेन हेडिंग, देन आपका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, देन उसको भी आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ आपने एक पिक्चर लगा दी और उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। मतलब आप जो जिस तरीके से आप टेबल चार्ट यूज़ करके, टेक्स्ट यूज़ करके, ग्राफिक्स यूज़ करके, क्लिप आर्ट यूज़ करके, वीडियो यूज़ करके, जैसा भी आप इसको बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। अब लेआउट में जैसे कि अभी ये क्लियर कर ही दिया, ये सब आपके हो गया लेआउट, कि इस तरीके से आपको लेआउट तैयार करनी है। अब हम थीम चुनना चाहते हैं। थीम मतलब मुझे रेड कलर में चाहिए, ब्लैक कलर में चाहिए, कुछ ये इस पैटर्न में होना चाहिए, या बाहर का देखने में लुक वाइज ऐसा होना चाहिए, या लुक वाइज ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी है ये सब चीज़ें आप थीम में सिलेक्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में आप थीम पर, डिज़ाइन पर जब जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब बैकग्राउंड स्टाइल के लिए आप क्या करेंगे, ये जो कलर दे रखे इन कलर्स में से आप कोई भी एक रैंडम कलर, जैसे आप ग्रीन, येलो, पिंक, ये जो भी दे रखा है, आपने ग्रीन पे क्लिक कर रखा है तो आपका ग्रीन हो गया, आप रेड पे क्लिक करते तो आपका रेड हो जाता। सो ये सब आपके बैकग्राउंड स्टाइल के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है जो आप यहाँ पर करना चाहते हैं, कोई भी कलर आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बुलेटिन कहाँ से यूज़ करेंगे, आप क्या करेंगे, अपने जो आपने मॉडिफाई स्लाइड, जो अभी आप मॉडिफाई करना चाहते हो स्लाइड को, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और आपको पॉइंट्स आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पावर एक्सेल में भी और वर्ड में भी, कि इस तरीके से बुलेटिन्स को यूज़ कर सकते हैं आप, ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं आप, एरोज यूज़ कर सकते हैं, या 1 2 3 ABCD जो भी आप यूज़ करना चाहें उसको आप यहाँ पर बुलेटिन में यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप जैसे कि इसको हमने यहाँ मेंशन किया कैसा कैसा होगा, वो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी बुलेटिन में भी। आपका एक तो नन होगा कि आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, आप पॉइंट वाइज रखना चाहते हैं, ओ शेप देना चाहते हैं, स्क्वायर बॉक्स देना चाहते हैं, स्क्वायर हाइलाइटेड देना चाहते हैं, डायमंड शेप देना चाहते हैं, या आप एरो देना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी बात किया था कि ये मार्जिन का होता है, कि आप माई नेम इज निशु शर्मा, माई नेम इज एंड सेकेंड लाइन में लिखा हुआ आपका निशु शर्मा, तो माई नेम इज और निशु शर्मा के बीच में, मतलब दो रो के बीच में आप कितना डिफरेंस देना चाहते हैं, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, जो भी आप डिफरेंस देना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर दें, तो जितने भी आपकी सारी चीज़ें होंगी उनमें आपका इतना स्पेस हो जाएगा। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से आप कितनी दूरी रखना चाहते हैं, आपने आप बताया कि लेफ्ट का आपका जो टेक्स्ट हो वो 0.25 दूरी पर हो, ठीक है, और पहले जो आपका स्पेसिंग हो वो 10 पॉइंट्स की हो,
और लाइन स्पेसिंग मल्टीपल हो, ये सब चीजें आपने वहां पर, मतलब ये आप जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर चाहते हैं उस स्क्रीन के लिए आप जैसा भी ऐड करना चाहें वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया ऐड कंटेंट में जाएंगे, ड्राइंग टूल, ठीक है, फॉर्मेट यहाँ आपका जो दे रखा है, ड्राइंग टूल में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट के बाद ये सारी चीजें आपकी ओपन हो रखी हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस क्लिक पर ड्राइंग टूल, जो ड्राइंग टूल होगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें, मतलब टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, ऑनलाइन वीडियोस, वीडियोस, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आप शेप पे जाएंगे, आप जैसा शेप बनाना चाहें शेप बना सकते हैं। चार्ट पे जाएंगे, आपका चार्ट बन जाएगा। आप यहाँ टेबल पे जाना चाहें तो आप टेबल बना सकते हैं। आप फोटो एल्बम लगाना चाहें, फोटो, जैसे आपने ऑनलाइन पिक्चर कोई भी आपने ले रखी है, जैसे सपोज मैंने डाल रखा है डॉग, कैट, पिजन, पैरट, कोई भी एक फोटो मैंने ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर रही हूँ, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया, या मैं डाउनलोड करके अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो वो मेरी पिक्चर को ले लेगा। मैं यहाँ साउंड भी डाल सकती हूँ, सिंबल भी मैं देना चाहती हूँ, ओमेगा, थीटा, अल्फा, बीटा, वीडियोस भी मैं कोई छोटी सी डालना चाहती हूँ तो आपकी यहाँ पे वीडियोस भी आ जाएगी। जैसे आप लोग मूवी मेकर में करते हो, बहुत सारी आप कोलाज वगैरह बनाते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके टेबल्स हैं, टेबल्स में आप जब टेबल पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कितना रो कितना कॉलम। आप ये इंसर्ट, पहले तो आपके 7 to 8 दे रखा है तो आप 7 रो यहाँ तक ले लिया और 7 कॉलम। ठीक है, आप अब आपको चाहिए कि नहीं इससे ज्यादा है तो आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद आपने कर दिया यहाँ पर 10 रोज 20 कॉलम्स या 20 रोज 30 कॉलम्स। तो 20 रोज इसमें नहीं है तो आप इसको करने पर ओके करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 20 रो और 20 कॉलम का वीडियो, मतलब टेबल बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने दे रखा है कि आपका किस तरीके से लिखा होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, चार्ट आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, क्लस्टर्ड कॉलम यूज़ करना चाह रहे हैं या किस तरीके से। तो आप जैसे चार्ट पे जाएंगे तो रिसेंट, टेम्पलेट, कॉलम, लाइन, ये सारी चीज़ें आपकी आती जाएंगी। तो आप इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी आप सारी चीज़ों को यूज़ में कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्मार्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की बात करें तो ये हमारे ग्राफिक्स में और हम यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स हम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं और इसी तरीके से हम बाकी सारी चीज़ों को भी अपना यूज़ में ले सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस सेशन इज पावर्ड बाई डिजिटल वर्जन 2.0, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।